नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। आज छठे चरण का चुनाव संपन्न हुआ। छठा और सातवां चरण जो कि पूर्वांचल के इलाके आते हैं और उनका मतदान काफी अहम माना जा रहा है। छठे चरण का मतदान हो गया है, अब सातवें चरण का मतदान होना है। वहीं छठे चरण के मतदान के आंकड़े सामने आ चुके हैं। सिद्धार्थनगर में 49.83% मतदान हुआ है, 5 बजे तक के आंकड़े सामने आए हैं। कुशीनगर 54.99% मतदान हुआ। बलिया 51.74%, गोरखपुर 53.90% मतदान हुआ, बलरामपुर 47.68%, सिद्धार्थनगर 49.83%, महाराजगंज 57.38%, संत कबीर नगर 51.21%, बस्ती 55.49%, अम्बेडकर नगर 58.08% मतदान 5 बजे तक संपन्न हुआ, देवरिया 51.51%, बलिया 51.74%, गोरखपुर 53.90%, बलरामपुर 47.78% मतदान संपन्न हुआ 5 बजे तक। यूपी में शाम 5 बजे तक 53.31% मतदान हुआ है। काफी अहम माना जा रहा है चुनाव छठा चरण। अगर बात करी जाए जिलों की तो बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, संत कबीर नगर, बस्ती, अंबेडकर नगर, देवरिया, बलिया, गोरखपुर, पूर्वांचल के जो ये इलाके हैं यहाँ पे चुनाव काफी अहम माना जा रहा है। इस पूर्वांचल के अलग ही मुद्दे हैं। अगर बात करी जाए पश्चिम की तो पश्चिम में उत्तर प्रदेश के जहाँ मुद्दे अलग थे, अलग जातीय समीकरण थे और अलग चेहरों को उतारा गया था, तो वहीं यहाँ पूर्वांचल के मुद्दों की बात करी जाए तो यहाँ पे मुद्दे भी अलग हैं। यहाँ पे किसानों की समस्या भी देखने को मिलती है, यहाँ पे आम जनता की समस्या भी देखने को मिलती है, बाढ़ की परेशानी भी है, कानून व्यवस्था की परेशानी भी है, यहाँ पे पलायन भी सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। तो इन सब मुद्दों को देखते हुए और जातीय समीकरण को देखते हुए काफी अहम माना जा रहा है। यूपी विधानसभा चुनाव के जो दो आखिरी चरण है काफी महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। एक आज संपन्न हो चुका है जिसमें पूर्वांचल के कई सीटें शामिल थी। 10 जिलों की 57 सीटों पर आज परीक्षा हुई है कई प्रत्याशियों की, जिनकी किस्मत आज ईवीएम में कैद हो गई है। 676 उम्मीदवार आज मैदान में थे जिनकी परीक्षा थी आज। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो राजनीतिक विश्लेषक जुड़ चुके हैं। डॉक्टर डी आर साहू जी जुड़ चुके हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे, राजेंद्र वर्मा जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं आज इस चर्चा में। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। डी आर साहू जी, आज का चुनाव जो छठे चरण का चुनाव है, पूर्वांचल का चुनाव, असली परीक्षा छोटे दलों की मानी जा रही है। सपा, बसपा, कांग्रेस, बीजेपी, इनकी तो परीक्षा है ही पूरे यूपी में, लेकिन छोटे दलों की परीक्षा मानी जा रही है, किस तरह देखते हैं? सत्रह में भी हुई थी और उसमें सफल हुए थे भारतीय जनता पार्टी। और जहां पे आज 2022 की बात करें तो उसमें जो छोटे दल की जो 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 भी मोबिलाइजेशन प्रोसेस है, लामबंदी प्रक्रिया है, उसमें आप देखेंगे समाजवादी पार्टी की तरफ भी कुछ लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ भी कुछ लोग हैं। इसको आप अनदेखा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दोनों में, दोनों छोटे दलों को स्टिच करने में, साथ में रखने में कुछ ना कुछ हद तक कामयाब हुए हैं। अब जहां तक बात आती है कि अपना दल का भी आपने देखा होगा कि विभाजन है और उसमें समाजवादी की पार्टी की तरफ जा रहे हैं। और बड़ा इंटरेस्टिंग है, सिक्स्थ फेज चुनाव में जब संघमित्रा जी बीजेपी में रहते हुए दो दिन पहले, एक दिन पहले इस तरह की जो घटना हुई उसके आधार पर जो प्रतिक्रियाएं आई उसको मैंने अखबारों में कहीं नहीं देखा, लेकिन अखबारों के अलावा यदि आप विभिन्न चीजों में देखेंगे तो कितनी प्रतिक्रिया संघमित्रा जी की तरफ से आएगी कि मेरे पिताजी, अब पिताजी की तरफ वो झुकाव है। और उसमें अखबार में मैंने देखा कि इनको भारतीय जनता पार्टी की तरफ एफआईआर भी दर्ज हुआ। तो कहने की मतलब ये है कि छोटे दलों को साथ में रखते हुए जो प्रक्रिया है उसमें दोनों तो सफल हुए हैं, लेकिन जो नैरेटिव्स की बात करें प्रथम चरण से लेके छठे चरण तक, इसमें यदि नैरेटिव्स में देखेंगे तो चौथे चरण तक एक स्थिति जो दिखाई दिया था उसमें बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी को मिली थी। अब गोरखपुर और जो पूर्वी क्षेत्र की बात करें, पूर्वी उत्तर प्रदेश की, पूर्वांचल की बात करें, तो उसमें हमने ये देखा कि इसकी पृष्ठभूमि भी थोड़ा देखना चाहिए, इतिहास को थोड़ा देखना चाहिए, जिसमें आप देखेंगे
कि जो पूर्वांचल क्षेत्र है थोड़ी सी पिछड़े है जी। और उसमें आपने देखा होगा सामंतवादी व्यवस्था की खिलाफत करते हुए जो लेफ्ट पार्टी है, वामपंथी दल है, वो उनका दबदबा काफी दिन तक रहा। अब उसके बाद धीरे धीरे मंडल की तरफ आया, 90 दशक में आपने देखा होगा, और धीरे धीरे फिर कमंडल 2017 में बड़े सफलता के रूप में आए छोटे छोटे दलों के आधार पे। अब फिर दोबारा फिर मंडल की तरफ आ गए। तो आप यदि स्टैटिस्टिक्स देखेंगे, स्टैटिस्टिक्स में आप देखेंगे लगभग 50% आप यदि देखेंगे ओबीसी की कंसोलिडेशन है ओबीसी की वोट से, और लगभग 35% आप देखेंगे मुसलमान और दलितों की वोट है, और उसमें से भी 14% लगभग दलितों में जाटव भी है। तो मेरा ये कहना है कि इसमें समाजवादी पार्टी और आरएलडी का जो गठबंधन है उनका बेहतर प्रदर्शन करने की बात तो एक अलग है, लेकिन एक जो ध्रुवीकरण हुआ है समाजवादी पार्टी बनाम भारतीय जनता पार्टी, अखिलेश बनाम जो माननीय योगी जी, ये जो है इसके अलावा भी आप, मैं अभी भी कह रहा हूँ कि बहुजन समाज पार्टी को आप नजरअंदाज मत करिए, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का एक ज्यादा अच्छा खासा साइलेंट वोट और उसमें है। और उसमें यदि हम बात करें तो उत्तर प्रदेश की पूर्वांचल क्षेत्र में जो विकास की बात करते हुए जो भी कार्यक्रम हुआ है, बात सही है, लॉ एंड ऑर्डर उनका एक उनका दावा है और लॉ एंड ऑर्डर के आधार पे इन्होंने बहुत कोशिश किया, लेकिन मेरा ये कहना है कि एक समाज विज्ञानी होने के नाते मैं कहना चाहता हूँ एक शिफ्टिंग ऑफ आइडेंटिटीज है, अस्मिताओं की एक एक चरणों के आधार पे आपने देखा होगा पहले क्लास वर्ग व्यवस्था गरीब और उसमें फिर इसके बाद जाति मंडल वो भी आया, फिर आया कमंडल और उसके आधार पे आपने देखा होगा किस तरह से जो एक स्थानीय स्तर पे जो कैटेगरीज बना है और उसमें देखेंगे। दूसरी बात पूर्वांचल क्षेत्र में आपने देखा होगा सवर्णों में भी एक एक फैक्शनलिज्म है, गुटबाजी है, इसको हम कहते हैं गुटबाजी, और उसमें आपने देखा होगा राजपूत बनाम ब्राह्मण, वो भी आप इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते क्योंकि आपने उसका इतिहास देखा होगा उसमें लॉ एंड ऑर्डर, क्योंकि बहुत सारे चुनावी भाषा में यदि हम देखें चुनाव के प्रक्रिया में देखा कि जो सरकार में है उनको विपक्ष घेर रहे हैं कि भाई आपने सिलेक्टिव तरीके से अपने लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं और उनको आप छोड़ देते हैं, अब ये भी एक एक आरोप लगा रहे हैं। और दूसरी तरफ एक जो भी सत्ताधारी दल है उसमें भी आपने देखा होगा माननीय योगी जी का यदि इंटरव्यू आप पढ़ेंगे सुनेंगे तो उसमें कहते हैं मैं भी क्षत्रिय हूँ और भगवान राम भी उसमें, मेरा ये कहने के मतलब है कहीं ना कहीं एक जातीय समीकरण, जातीय अस्मिता इस बार पूर्वांचल क्षेत्र में हावी हो रहा है, जो कि एक अनफॉर्चुनेट है, एक 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 दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन कहीं ना कहीं चुनाव इसी की तरफ से आ गया है। जी, देखा जाए तो पूरे यूपी में ही जातिगत राजनीति देखने को मिली है, जो समीकरण है वो कहीं ना कहीं जातिगत के इर्द गिर्द ही घूमते हुए नजर आ रहे हैं। राजेंद्र जी, जिस तरह से उत्तर प्रदेश के विधानसभा का चुनाव अब अपने अंतिम पड़ाव पे पहुंच गया है और इस अंतिम पड़ाव की जो ये लड़ाई है वो पूर्वांचल की रणभूमि पर लड़ी जा रही है, और ऐसे में अगर बात करें पश्चिम की तो पश्चिम के मुद्दे अलग थे, पूर्वांचल के मुद्दे अलग है, तो मुद्दे इस बार के चुनाव में खासतौर से छठे चरण में कितना महत्व रख रहे हैं? जी थैंक यू। सबसे पहले जैसा कि अभी सर बोल रहे थे डीआर साहू सर तो उनका कहना भी सही है, और देखिए जहाँ तक जाति की आप कहते हैं कि यूपी में जाति के आधार पर चुनाव हो रहा है, तो यूपी में नहीं पूरे देश में जाति के आधार पर चुनाव होता है। जाति इस देश की सच्चाई है, उसको स्वीकार करना चाहिए, ठीक है। अब जाति जब इकट्ठी होती है, संगठित होती है और किसी पक्ष में वोट करती है तो वो एक सबलता के रूप में सामने आती है और सुदृढ़ के रूप में जो जो अपने सरकार बनाने के लिए काम करती है या जो एक एक पूरा चंक दिखाई देता है तो आपको जातिवाद नजर आने लगता है, बहुत लोगों को इस तरह से नैरेटिव सेट होते हैं, लेकिन जाति इस देश की सच्चाई है, इसको हम लोगों को स्वीकार करना चाहिए। दूसरी बात, आपने कहा कि पश्चिम का जो मुद्दा था, बिल्कुल एकदम आप सही कह रही हैं कि पश्चिम में जो किसान बड़े किसान थे वो मुद्दा एकदम डिफरेंट था, और वो जो एक आंदोलन एक साल से ऊपर चला उसका इम्पैक्ट और जो सरकार ने सुनी नहीं और सरकार की जो एरोगेंसी थी उसके खिलाफ खूब वोट हुआ और लोग लामबंद हुए। अब आते हैं आप पे जो पूर्वांचल की बात करते हैं, देखिए
पूर्वांचल का जो बेल्ट यानी 2000 इसके पहले जो बीजेपी ने इलेक्शन जीता था, तो बीजेपी ने जो अपना एक कॉम्बिनेशन बनाया था, जिसको कास्ट कॉम्बिनेशन कहिए, क्लास कॉम्बिनेशन कहिए, या जो आपने छोटी छोटी राजनीतिक कॉम्बिनेशन कहिए, जो छोटी छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन किया था, वो उसको नो डाउट सीटों को विजय बनाने में, सीटों को जीतने में बहुत अहम भूमिका निभाई थी। देखिए, सब पार्टियों का एक अपना अपना कुछ जो बेस वोट होता है वो होता है, इसके बाद जो जो फ्लक्चुएट करता है वोट, वो कौन किसको स्विंग करता है, 2-4% यदि इधर से उधर हो गया तो वो बहुत बहुत बड़ा मार्जिन हो जाता है जीतने और हारने का, ये आप सब जान रही हैं। तो निश्चित रूप से पूर्वांचल के जो मुद्दे हैं, किसान के उस रूप में मुद्दे नहीं है जैसे कि पश्चिम में मुद्दे थे, लेकिन पूर्वांचल में किसान का मुद्दा नहीं है, किसान का मुद्दा है लेकिन वो दूसरे ढंग से है, क्योंकि यहाँ के किसान वो छोटे किसान है, छोटे किसान है, और वो छोटे किसान क्या है, वो प्रभावित हो रहे हैं जब उनका जो छुट्टे पशु है उनसे वो बड़े प्रभावित है, और एक बड़ा मुद्दा उभर के आया है कि बेरोजगारी एक पहला मुद्दा, तो दूसरा मुद्दा हम मानेंगे कि जो छुट्टा जानवर है उनको जो मैनेजमेंट नहीं हो पाया, जिससे किसानों की जो फसल नष्ट हुई, उस पर बहुत बड़ा एक चुनाव हो रहा है और इसको देखने को भी नहीं मिल रहा है। तो जो एक कहते हैं कि अपर हैंड था बीजेपी को कि ये पांचवें चरण के बाद यदि वो शायद सुधार कर ले, पांचवें चरण में सुधार कर ले, तो वो अभी ऐसा जो आंकड़े आ रहे हैं, जो रिपोर्टें आ रही हैं, जो लोगों से बात कर रहे हैं हम लोग, तो वो ऐसा लग नहीं रहा है कि उन्होंने कुछ अपना कवर कर पाए, जो नुकसान था 3 चरणों का वो ऐसा नहीं है। अभी भी जो गठबंधन का एक थोड़ा सा एज जा रहा था, पॉजिटिव फ्लो जा रहा था, या कहेंगे इसको एक लहर के रूप में जा रहा था, तो वो कायम है। और जो राजभर जी आए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी आए, इंद्रजीत सरोज जी आए, और भी जो करने वीआईपी पार्टी वगैरह, तो ये सब जो आए, तो ये जो क्लस्टर बना ना जातियों का, ये वोट बैंक और सीट जीतने में बहुत प्रभावी होगा। मैं देवरिया और गोरखपुर के बारे में ज्यादा नहीं कह सकता हूँ, शायद वहां पर बीजेपी आए। और कहीं कहीं एक महत्वपूर्ण बात, जैसा कि अभी बताया सर ने, और मैं कहना चाहता हूँ कि बीएसपी और कहीं कहीं आपको लगेगा कि सपा की लड़ाई है, भाजपा ही नहीं है, ऐसी कई सीटें हैं जहां पर सपा और बसपा की लड़ाई है, एकदम फैक्ट है। और आप बीजेपी आप समझ लीजिए आप कि फिर बीजेपी कितना पीछे जा रही है। तो निश्चित रूप से यदि आप राजनीतिक रूप से कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं कि जो गठबंधन था वो इस वाले जो छठा चरण का जो चुनाव हुआ है उसमें भी एज रहेगा। लेकिन मैं थोड़ा सा वोट परसेंटेज पर भी आपको गौर करना चाहूंगा कि वोट परसेंटेज जो आप बता रही है भी बहुत कम है, और इस कम की यदि हम समीक्षा करें तो ज्यादातर यदि हम लोग ये कहते हैं कि जब ज्यादा वोट पड़ेगा तो वो वोट पड़ता है जो वर्तमान पार्टी है उसको लाभ पहुंचा है, बीजेपी के लिए एज रहता है, अभी तक के जो एनालिसिस आए हैं तो बीजेपी के लिए एज का काम करती है। अब ये जो वोट पड़ रहे हैं उसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि ये वोट कौन सा वोट पड़ रहा है। बीजेपी के कार्यकर्ता कहीं कहीं इतने हताश दिख रहे हैं कि वो अपने अपने जो पोलिंग बूथ लगाते हैं, जो सेंटर होते हैं उसके सामने एजेंट भी नहीं है वहां पे, तो इस तरह का ये दिखना कि बिल्कुल हतोत्साहित हो गए हैं और उनको लग रहा है कि नहीं हम अब सरकार से जा रहे हैं, तो इस तरह का भी एक देखने को मिल रहा है। और वहीं सरकार बदलने के लिए लोग, देखिए मैं फिर ये कह रहा हूँ कि हो सकता है लोग अखिलेश यादव को पसंद ना कर रहे हो कुछ लोग, लेकिन उस सरकार बदलने के लिए वोट कर रहे हैं और उनको बाई च्वाइस, या कहें कि भाई आपने उनके पास च्वाइस नहीं मिल पा रही है, मजबूरी में भी अखिलेश यादव को वोट दे रहे हैं, क्योंकि वो योगी जी के उस एरोगेंसी से थोड़ा सा नाराज दिख रहे हैं, और उनका मैनेजमेंट की केवल अपनी ही बात करना, दूसरों के मुद्दों को आपने सुनना नहीं। और मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब राजनीति जब मुद्दों पे होती है, एक व्यक्तिगत कोई भी पढ़ा लिखा आदमी या कोई भी एक थोड़ा सा समझ जो थोड़ा सा इसमें रुचि रखता है राजनीति में, वो ये मानेगा कि यदि राजनीति मुद्दों पे होने लगेगी तो राजनीति अच्छी है। जब आप और हाँ, वो बीजेपी पहली बार ऐसा हमको लग रहा है कि इस बार इलेक्शन में देखने को लग रहा है कि बीजेपी अपना नैरेटिव नहीं सेट कर पा रही है, और जो उसका सबसे पॉजिटिव दो बड़ी पार्टियों के बीच में तो चुनाव हो ही रहा है, भाजपा और सपा। साहू जी, जिस तरह से इन 10 जिलों की 57 सीटों पर आज जो चुनाव हुआ है, अगर पिछले 2017 के अगर आंकड़े देखे तो बीजेपी के बाद सबसे ज्यादा अगर वोट किसी को मिला था, किसी के पास सीटें गई थी, तो वो बीएसपी थी। तो जो ये 10 जिले हैं इनमें बीएसपी का दबदबा किन सीटों पर देखने को मिल रहा है? देखिए मैं तो बीएसपी की बात तो मैं अभी नहीं कर रहा हूँ ना, मैं ये कह रहा हूँ कि जो वोट बैंक है, उस वोट बैंक में आपने देखा होगा, जैसे कि हमारे डॉक्टर राजेंद्र जी बता रहे थे कि एक ऐसा भी स्थिति हो सकता है कि
सपा वर्सेस बीएसपी बसपा की बात कर रहे हैं जी। ये आप यदि देखेंगे, जैसे कि आप देखेंगे अंबेडकर नगर में बड़ी बहुत परसेंटेज है, हो सकता है और बढ़े 6 बजे तक, लेकिन ये आप देखिए उत्साह देखिए उसमें। अंबेडकर नगर में कौन लड़ रहे हैं तो आप जानते हैं कि छोटे छोटे दलों का एक एक राजभर जी है वहां पे भी लड़ रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि मेरा जो आकलन है इसमें ये कहना चाहता हूँ कि एक छठा चरण तक आते आते एक लहर विहीन चुनाव 2017 को छोड़ दीजिए, 2017 एक जबरदस्त लहर था उसको छोड़ दीजिए। मैं तो कहता हूँ कि 2012 के चुनाव को आप याद करिए, 2012 पिछले चुनाव की अगर बात करीजिए तो मायावती कहीं गायब थी और इस बार फिर भी वो जमीनी तौर पे नजर आ रही हैं, तो क्या 5 से ज्यादा बढ़ सकती है इस बार सीटें? मेरे को लगता है कि ज्यादा सीट जरूर बढ़ेगी और उसके आधार पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस बार सीट उनको बहुत अच्छे से सीट मिलने जा रही है और हो सकता है कि वो एक गेम चेंजर बन सकते हैं। जी राजेंद्र जी, इस बार जिस तरह से चुनाव हो रहे हैं और अगर छठे चरण की बात करी जाए तो कांग्रेस कहाँ नजर आ रही है, कांग्रेस की किसी सीट पर मजबूती देखने को मिल रही है? देखिए राजनीति में किसी भी पार्टी को कम आंकना नहीं चाहिए जी। कांग्रेस जिस अपने जो हमको लग रहा है कि कांग्रेस जिस मिशन पर चल रही है वो उत्तर प्रदेश का चुनाव उतना बखूबी से देख नहीं रही है, वो उत्तर प्रदेश के सहारे 2024 का इलेक्शन देख रही है। और निश्चित रूप से जो लग रहा है कि बहुत जगह ऐसा है कि कांग्रेस को आप इतना हल्के में मत ना किए, और कांग्रेस बड़ी पुरानी पार्टी है और कांग्रेस कई जगह पे बहुत विजयी बन रही है। जहां पर समाजवादी पार्टी ने कोई वोट जो जो कैंडिडेट है उनके वो वहां के इलाके के अनुरूप नहीं है, जो इलाका चाह रहा था कि इनको दीजिए, जैसे मैं जानता हूं कि मेरे बहुत से लोग हैं परिचित के एक वहां की सीट है परिंदा की सीट है, वो निश्चित रूप से जो समाजवादी पार्टी जीत रही थी वो कांग्रेस को जीतेगी 100%, आप नोट कर लीजिए। और मुझसे आप पूछ लीजिएगा परिंदा सीट, क्योंकि जितना भी वहां पे मोबिलाइजेशन जो कह रहा था कि नहीं हमको बीजेपी को हटाना है और समाजवादी पार्टी एक विकल्प के रूप में जो आ रहा था, वो वहां के जो लोकल नेता था उसको वोट ना देके, लास्ट में ऐसा होता है बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियों के साथ कुछ ना कुछ इक्वेशन होते हैं, उनको वोट नहीं मिला तो वो सब वोट शिफ्ट हो रहा है कांग्रेस में। और 2-3 जगह पे आप देखिएगा, और एक जगह जो आपने प्रमोद तिवारी जी के क्षेत्र है वहां पे भी कांग्रेस की जीत होगी, और भी कहीं कहीं जगह जरूर कांग्रेस प्रभावी होगी। इन सब के बावजूद भी आप कांग्रेस की स्ट्रेटजी समझिए, कांग्रेस जो मेहनत कर रही है वो कांग्रेस 2024 में निश्चित रूप से उसका जनाधार बढ़ेगा और वो एकदम मेन लड़ाई में आएगी बीजेपी के साथ, और वो 2024 की तैयारी कर रही है मुझे जो दिख रहा है कांग्रेस, चाहे वो प्रियंका गांधी जी का जो ग्राउंड टू वर्क काम हो वो लोगों को कनेक्ट कर रही है और लोग उनसे अपील, जो अपील हो ना कनेक्ट का एक अपील होता है, तो वो लोग प्रियंका गांधी को देख रहे हैं कि नहीं केंद्र के लिए ठीक है। बहुत से विकल्प ऐसे हैं कि नहीं भाई स्टेट के लिए समाजवादी पार्टी का गठबंधन ठीक है, लेकिन यही मुसलमान आप देखिएगा जिसको कहते हैं मुस्लिम वोट बैंक है जो एक तरफ गिरता है, मैक्सिमम एक तरफ गिरता है, यही वोट बैंक 2024 की राजनीति में पूरा का पूरा कांग्रेस की तरफ शिफ्ट होगा, आप नोट कर लीजिए। इसलिए कांग्रेस अपना मेहनत कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पूर्वांचल का, पूर्वांचल में जो लहर है जो अभी तक का चुनाव चला है जो पहले चरण से शुरू हुआ है वो बरकरार रहा है, ये एक आप कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी गठबंधन का पॉजिटिव साइन है। बसपा की सीटें आएंगी, बसपा को आप इग्नोर नहीं कर सकते, साउथर भी बोल रहे हैं मैं भी बोल रहा हूँ कि बसपा एक कैडर बेस्ड पार्टी है, हाँ लेट थोड़ा शुरू हुआ कहीं कहीं ऐसा आया, बहुत सब वोट बैंक बट भी रहा है, देखिए दलित एक दो राय पे कहीं कहीं पे है, जो पढ़ा लिखा वोट है जो थोड़ा बहुत शिक्षित है उसको ये एक एहसास हो रहा है कि हमको बीएसपी की सरकार नहीं बन पा रही है, लेकिन ऐसा ना हो जाए कि हमारे बीएसपी को वोट देने से और वोट बच जाए और समाजवादी पार्टी वहां से सीट हार जाए और जो बीजेपी को हरा रही है तो बीजेपी जीत जाए, तो एक इस भूमिका में भी है दलित की हमको समाजवादी पार्टी को देना है वोट। और जो सबसे एक महत्वपूर्ण बच्चा खासतौर से इस बार की जो मैं बात कर रहा हूँ वो थोड़ा सा अपलिफ्ट हुआ है, जो थोड़ा पढ़ा लिखा है जो है, एक पुरानी पेंशन के मुद्दे को आप इग्नोर मत कीजिए, ये पुरानी पेंशन का मुद्दा इतना घातक मुद्दा साबित हुआ है, आप भले आपको कर लग रहा है कि हमारे 13 लाख कर्मचारी ही उत्तर प्रदेश में ये क्या कर लेंगे, 13 लाख कर्मचारी प्लस उनका परिवार जो हार्ड कोर बीजेपी था, मैं बहुत लोगों को जानता हूँ, कम से कम मेरे 50 से 60 लोग हैं मित्र हैं जो हार्ड कोर बीजेपी के सपोर्टर थे,
केवल पुरानी पेंशन के नाम पे इस बार गठबंधन को वोट दे रहे हैं, समाजवादी पार्टी गठबंधन को वोट दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ये मुद्दे तो आएंगे जी, मुद्दों को देखते हुए तो वोट बिखराव होगा वोटों का बिल्कुल। लेकिन अगर बात करें पूर्वांचल की, साहू जी अगर पूर्वांचल की बात करी जाए तो यहाँ पे एक सबसे बड़ा मुद्दा पलायन का भी है। आज जिन छठे चरण का जो चुनाव हुआ है 10 जिलों में, यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा पलायन का देखा जाता है और ये वजह भी कहीं ना कहीं हो सकती है जो वोट कम पड़े हैं, क्योंकि लोग पलायन करते हैं तो उनके लिए मुमकिन नहीं हो पाता है कि वो मतदान के लिए अपने जिले वापस लौट के आ सके। तो जो ये पलायन का मुद्दा है ये कैसे सुलझाया जा सकता है और इस मुद्दे को देखते हुए जो वोट प्रतिशत घटे हैं और जो भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है तो इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए पलायन की बात तो जहाँ पे गरीबी है और हर कोई व्यक्ति चाहता है कि जहाँ पे हरा भरा हो वहीं जाते हैं, एक एक हर कोई व्यक्ति चाहता है कि जहाँ पे कोई मौका मिले, जहाँ पे कोई अवसर मिले तो वही लोग जाते हैं। और इस क्षेत्र में, पूर्वांचल क्षेत्र में आपने देखा होगा खेती की स्थिति और वहाँ की जो 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 सामाजिक ढांचा है उसमें आपने देखा होगा गरीबी और एक 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 जो एक चीजें हैं उसकी आधार पे लोग पहले से, इसका एक एक लंबी एक एक श्रृंखला है जिसमें बहुत सारी जगह पे जाते वो लोग आए नहीं, वो बात नहीं है, बात ये कि उत्सुकता की बात है। आप ये देखिए 2017 के चुनाव और 2022 के चुनाव में कोई एक लहर नहीं है, कोई एक उत्साह नहीं है और उस उत्साह के आधार पे मैं देखता हूँ कि पूर्वांचल क्षेत्र में यदि इस तरह से उत्साह विहीन चुनाव हुआ और उसमें लोगों को लगा कि यहाँ पे कोई फायदा नहीं है और उस तरह की बातें हैं और उसमें जो फ्लोटिंग वोट थे जी। मेरा ये मानना है कि जो फ्लोटिंग वोट थे, ऐसे कि राजेंद्र जी बता रहे थे किस तरफ जा रहा है, जो छोटे जैसे कि मोस्ट बैकवर्ड कास्ट है उनके लिए लड़ाई लड़े और भारतीय जनता पार्टी से वो छोटे छोटे दल अपने को अलग किया, भले ही वो कहते हैं कि आपस में जो भी हो वो तो हम बात नहीं करेंगे अभी, लेकिन वो निकल गए। उसके बाद वो अब दूसरी बात है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे व्यक्ति वो भी हटे तो, और उसी तरह से आपने देखा होगा निषाद के कुछ ग्रुप्स भारतीय जनता पार्टी के हो गए, उसी तरह से आपने देखा होगा कि ये जो एक अपना दल का भी विभाजन है। तो ये सब चीजों को यदि हम देखें तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में जो पूर्वांचल क्षेत्र में एक जो आधार है, इसका मैं एक पृष्ठभूमि देता हूँ, इसका एक ज्योग्राफिकल सिचुएशन से भौगोलिक स्थिति। आप 2020-21 में जब चुनाव हुआ था आपको याद होगा बिहार के चुनाव में यदि आप उसकी आंकड़े देखें और तेजस्वी यादव जी को जो वोट मिला था वो एक तरह से इसी क्षेत्र के आसपास जो क्षेत्र है पूर्वांचल क्षेत्र, यहाँ पे अधिक से अधिक आपको परसेंटेज ऑफ वोट्स और वहाँ पे आपको मिलेगा। तो कहने की मतलब ये है कि जब उस समय बिहार के चुनाव में हमने ये देखा, अब इसी सटा हुआ इलाका है और उसमें हम देख रहे हैं कि इस तरह की चीजें आएगी, कहीं ना कहीं हमको लगता है कि ये काफी बेहतर तरीके से समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, इवन कांग्रेस भी एक तरह से उनका परसेंटेज ऑफ वोट्स बढ़ेगा। अब ये देखने वाली बात है 10 मार्च को कि सीटों में किस तरह से हो रहा है, जिसमें कि ये नुकसान भी हो सकता है भारतीय जनता पार्टी को और नुकसान के साथ साथ इतना भी नुकसान हो ही नहीं सकता, जैसे कि हम कहेंगे 46+2 उनका था पिछले 2017 में अपना दल का 2 और 2046 का उनका, अब ये चीज तो वो आगे नहीं ला पाएंगे, ये तो एकदम 100% श्योर है। लेकिन वो 20 तक रहेंगे, 25 तक रहेंगे, 30 तक रहेंगे, वो भी बहुत बड़ी बात है, लेकिन इसमें समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, इवन कांग्रेस की कुछ कुछ छोटे छोटे क्षेत्र जैसे कि डॉक्टर राजेंद्र जी बता रहे थे कि वहां पे कि काफी हद तक कांग्रेस पार्टी को भी आप अनदेखा मत करिए, लेकिन ये कभी कभी नुकसान भी कर सकता है सीटों के, यदि आप देखेंगे सीटों में जीतने की बात करेंगे तो हो सकता है नुकसान भी कर सकता है, लेकिन अभी हम इसके बारे में आकलन नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ ये बात है, ये जो चुनाव है इसमें विपक्ष काफी मजबूती से अपने को प्रस्तुत कर रहा है और जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारे क्षेत्र में ये लोग कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी को एक एक आगे लाया जाए और केंद्र में जैसे कि 2024 की बात आएगी तो इसमें कांग्रेस की बात करेंगे। ये भी मैंने देखा है बहुत सारे चुनाव में, हमने देखा जैसे कि फॉर एग्जाम्पल उड़ीसा की चुनाव की बात करें, उड़ीसा में
2019 में चुनाव हुआ उसमें भारतीय जनता पार्टी को केंद्र सरकार के समय में उन्होंने लोकसभा में थोड़ा बहुत मदद दिया, और बीजू जनता दल उड़ीसा के क्षेत्रीय दल है वहां पे असेंबली में। तो ये जो एक परिपक्वता है, ये जो मैच्योरिटी है, उस मैच्योरिटी को देखते हुए मैं भी देखता हूँ पूर्वांचल में कहीं ना कहीं इस तरह की बात आएगी। और कहां तक, जहां तक हम बता रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य की जो बेटी की जो घटना है, तरह तरह की जो घटना है, आज ममता बनर्जी की जो घटना है, ये कहीं ना कहीं एक 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 इससे दर्शाता है कि कहीं ना कहीं असंतोष जो है दिखाई दे रहा है, और उस असंतोष के कारण हमको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को कड़ी चुनौती मिलेगी। लेकिन सीटों के आधार पे अभी भी बात करना, सातवें चरण के बाद ही हम बात कर सकते हैं, लेकिन ये बात सही है कि कांटे की टक्कर है। जी बिल्कुल राजेंद्र जी, इस बार कई मुद्दे हैं, वहीं अगर बात करी जाए मुद्दों से हटके तो गोरखपुर में जिस तरह से वर्चस्व की लड़ाई हो रही है, एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, दूसरी तरफ भीम आर्मी चीफ है, तो उनके लिए, भीम आर्मी चीफ के लिए गोरखपुर जो कि गढ़ माना जाता है सीएम का, वहां पे उनको उनकी टक्कर देना उनके ही गढ़ में कितना मुश्किल भरा काम है, और क्या इसमें कुछ भी उपलब्धि मिल सकेगी उन्हें, क्योंकि बाकी पार्टियों की बात करें तो कोई भी स्ट्रांग कैंडिडेट नहीं उतार पाया है वहां पे। पहले ही उनको पता था कि वहां पे उनकी जीत मुश्किल होगी, इसीलिए वहां पे किसी ने कैंडिडेट ही नहीं उतारा, निर्दलीय उम्मीदवार वहां पे खड़ा हुआ है। तो क्या लगता है इस बार क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेगा गोरखपुर में? नहीं नहीं नहीं, सपा का गठबंधन का मजबूत है वहां, उम्मीदवार है वहां पे सुभावती, मतलब जो मुझे याद आ रहा है सुभावती जी सपा गठबंधन की उम्मीदवार है, चुनाव लड़ रही है योगी जी के खिलाफ। हाँ, चंद्रशेखर जी ने जिस ढंग से चुनौती पेश की ये योगी जी को नो डाउट तकलीफ पहुंचाएगी, लेकिन वो विनिंग पोजीशन में आएंगे कि नहीं आएंगे अभी इसके बारे में कहना थोड़ा जल्दबाजी होगा। लेकिन नाराजगी गोरखपुर में भी देखने को मिल रही है, जो कभी भी योगी जी का गढ़ रहा करता था और योगी जी के सब लोग एक हिसाब से फॉलोअर हुआ करते थे, वहां पे भी बहुत पब्लिक में अनरेस्ट है। कितना अनरेस्ट है ये तो 10 तारीख के बाद पता चलेगा। कितना फ्री राशन और नमक का मुद्दा जो बीजेपी का इस समय ट्रम्प कार्ड बना हुआ है कि फ्री राशन का वोट कितना कन्वर्ट होता है बीजेपी को, जो वो एक ऐसा जो भूमिहीन मजदूर है और जो बिल्कुल एकदम किसी से मतलब नहीं, उसको दो वक्त की रोटी मिल किसी तरह से, वो वोट पे आता है और वो इस मुद्दे पर बीजेपी को वोट करता है। वहां पे बीजेपी अपना एज देख रही है कि हमको नमक के नाम पे चाहिए, मोदी जी को बोलना पड़ा नमक के नाम पे, ठीक है कि हमको भाई नमक खाया है, नमक हरामी मत कीजिए, मतलब इस सब का नहीं यूज करना चाहिए, लेकिन इस तरह के हम हमारा नमक खाया भाई लोग नहीं जाएंगे जी। तो नमक की बात कहां से आ गई, फ्री राशन का मुद्दा नो डाउट आप फ्री राशन के मुद्दे को इग्नोर नहीं करेंगे, लेकिन ये सीट कन्वर्जन की ओर जाएगा कि नहीं, ये थोड़ा सा मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि नहीं, इतना ज्यादा नहीं है। फ्री राशन जिनको मिल रहा है वो लोग ये भी कह रहे हैं कि हम 500 रुपए के राशन से हमको 5000 का जो ड्यूटी करनी पड़ रही है, जानवरों की रखवाली करनी पड़ रही है, जानवर खेत में घुस जा रहे हैं तो 5000 से 50000 का नुकसान हो रहा है, उसको कौन देखेगा, ये भी तो सरकार की देन है। और बेरोजगारी जो नया युवा है, देखिए उसको जब भर्तियां पड़ता है ना तो भर्तियां नहीं निकल रही है या पेपर आउट हो जा रहे हैं या उस ढंग से नहीं निकली जितनी कही गई थी, तो वो एक है यूरो मतलब या आप कहें कि जो विपक्ष था जिसमें गठबंधन को कहेंगे कि वो इस मुद्दे को ये नैरेटिव खड़ा करने में कामयाब रहा कि बेरोजगारी इस देश की एक बड़ा मुद्दा है, और ये जिसलिए युवा जो वर्ग है खासतौर से मैं देखता हूँ कि युवा वर्ग एकदम से आक्रोशित है। इलाहाबाद की घटना आप इसको आप मामूली घटना मत समझिए, इलाहाबाद में जिस हिसाब से लाठीचार्ज हुआ और वहां पर हर क्षेत्र का लड़का रहता है, इलाहाबाद हब है, केवल स्टूडेंट है वहां पर, लोकल लोग हैं लेकिन जो स्टूडेंट का एक क्लस्टर बनता है, पूरा पूर्वांचल का मैक्सिमम लोग है वहां पर, पश्चिम का है, बुंदेलखंड का है, सब है, वो कोचिंग करता है वहां रह के पढ़ाई करता है, और उस पे अत्याचार आप वहां का आंदोलन देखिए, ये आप लोगों ने कवरेज किया होगा, तो जो एक रोष आया स्टूडेंट में वो बहुत ज्यादा प्रभावी जो इलेक्शन पर प्रभाव डालेगा और निश्चित रूप से बीजेपी को डैमेज करेगा। जी बिल्कुल, डैमेज तो हुई और इसी डैमेज कंट्रोल के लिए कई जनसभाएं भी की गई। साहू जी, मेरा आपसे सवाल है, जिस तरह से बीजेपी द्वारा राशन का मुद्दा उठाया जा रहा है, बुलडोजर का मुद्दा उठाया जा रहा है, वैक्सीन मुफ्त वैक्सीन का मुद्दा उठाया जा रहा है, तो इन सब मुद्दों से परे हटके कौन से मुद्दे उठा सकती थी बीजेपी जो कि उसे स्ट्रांग बनाते, क्योंकि डैमेज कंट्रोल तो हुआ है, अपनी जो रिपोर्ट कार्ड है उसे पेश करना, अपनी उपलब्धियों को बताना, उसके आधार पर वोट मांगना, ये कितना सही है, कौन से मुद्दे उठा के
विश्वास जीत सकती थी जनता का बीजेपी? देखिए, किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो भी सरकार में रहते हैं, जो भी राजनीतिक दल, क्या कोविड के समय में कोई भी बहुजन समाज पार्टी हो, कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो, क्या वो कोविड मैनेजमेंट नहीं करते? हर कोई करता है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। जो शासन में रहेगा उनको व्यवस्था को देखना पड़ेगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि आप देखिए, कुछ जो आप अखबारों में बहुत सारे चीजों में देखा होगा, PIL दाखिल हो रहा है या हो रहा है, इसके बारे में आवाज उठ रही है कि ऑपरेशन गंगा, ये जो एक यूक्रेन को लेके, बच्चों विद्यार्थियों को लेके, बच्चों को लेके ये वहां से लाने की बात करें, उसमें ये लोग काफी आरोप लगा रहे हैं कि ये जो ऑपरेशन गंगा का नाम क्यों दिया। दूसरी बात है, जैसे कि आपने देखा होगा, ऑनरेबल गवर्नर मनोज जी उत्तर प्रदेश में आके, एक जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नर आ रहे हैं, मंदिर का भ्रमण कर रहे हैं, लेकिन इसमें जो आप लोग देखेंगे वास्तविकता में वो वहां नहीं आ रहे, वो आ रहे कि कुछ अपना जो भी है भारतीय जनता पार्टी के प्रचार के लिए हो, जो भी हो, अप्रत्यक्ष रूप में। यदि हम एक समाज विज्ञानी है इसलिए मैं कह रहा हूँ। तीसरी बात, आपने देखा होगा कि जिस तरह से माननीय मोदी जी प्राइम मिनिस्टर होके जिस तरह से एक दिन में दो दो प्रचार कर रहे, दो दो क्षेत्र में, जो रिमोट एरियाज में, अलग अलग जगह में जाकर कर रहे हैं, इससे एक एक, एक माहौल दिख रहा है कि थोड़ी तनाव स्थिति है सरकार को, और सरकार को लग रहा है। और अभी भी आप लोगों को मैं बता दूं, बहराइच की जनसभा में उन्होंने ये बात कही, छोटा जानवर के लिए हम कुछ ला रहे हैं, कुछ नियम नीति ला रहे हैं। माननीय योगी जी ने कहा कि भाई 900 रुपया तक हम देंगे, लेकिन अखिलेश जी ने कहा कि भाई मैं 5 लाख तक उसका मैं करूंगा। तो ये बात, ये कहने की मतलब ये है कि कहीं ना कहीं मुद्दों पर आधारित चुनाव में आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी जो सरकार में है वो घेरने के लिए विपक्ष के पास अच्छे खासे मुद्दे हैं, और एक 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 तरह से वो चुनाव में सीट में तब्दीली होगा कि नहीं, ये बात को भी हम आपको बताना चाहते हैं। आज की तारीख में भारत में कोई यदि समर्थपूर्ण एक एक बड़ी रिसोर्सफुल पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। उनके पास यदि कोई संगठन का ढांचा है तो वो भी भारतीय जनता पार्टी है। उनके पास फाइनेंशियल एंड अदर रिसोर्सेस है, वो भी भारतीय जनता पार्टी है। उनके पास कमिटेड लीडर या कमिटेड कैडर है, वो भी भारतीय जनता पार्टी के लिए, और उनकी सांगठनिक ढांचा बहुत मजबूत है। अब ये देखने लायक है कि आप अभी अभी हमारे कुछ ऐसे अध्ययनों में देखा गया कि उनका जो आप सभी भी जानते हैं पन्ना प्रचारक, पन्ना प्रमुख की बात करते हैं, तो कहने के मतलब है इनका जो एक एक बड़ा जबरदस्त तरीके से ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो देखने लायक है अभी, कि सभी विपक्ष की घेरने के बावजूद कहां तक ये 10 मार्च को जो चुनाव के नतीजे आएंगे वो सफल हो पा रहा है कि नहीं। लेकिन मूड ऑफ द स्टेट, जो राज्य की जो एक माहौल है, उसमें विपक्ष ने बहुत जबरदस्त चुनौती दिया है, और फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ में, हमने सिक्स्थ तक आज मैं देखना हूं कि इसमें कहीं ना कहीं अभी भी एक एक निर्णायक रूप में हम ये नहीं कह सकते हैं। 2017 में जैसे कि लगभग लोगों ने कहा था कि बीजेपी आ रहे हैं, लहर प्रचंड है, लेकिन 2022 की चुनाव में अभी भी जितने भी सारे राजनीतिक समीक्षक हैं, जो अखबारों के माध्यम से, विभिन्न सोशल मीडिया के माध्यम से जो मैं देख रहा हूँ, उसमें एक बड़ा अनप्रिडिक्टेबल सिचुएशन, एक 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 तरह से ये नहीं कहा जा सकता है, और वो भी कहीं ना कहीं कुछ बड़े क्लोज कॉन्टेस्ट की तरफ जा रहा है, और उसके बाद ये देखा जाएगा द इलेक्शन जो है रिजल्ट आने के बाद पोस्ट पोल अलायंस वुड बी द की फैक्टर। ये ही एक महत्वपूर्ण बिंदु बनेगा कि चुनाव के नतीजे के बाद यदि बहुमत की तरफ कोई नहीं गया तो पोस्ट पोल अलायंस भी एक निर्णायक हो सकता है, या दूसरी तरफ हो सकता है कि विपक्ष अपने सफलता के रूप में अपने को बहुमत या तो सिंपल मेजोरिटी लेके सरकार में आ सकते हैं, या भारतीय जनता पार्टी कुछ हद तक पोस्ट पोल अलायंस में सफल होके अपने सरकार को रिटेन कर सकते हैं।
जी राजेंद्र जी, माना जाता है कि पूर्वांचल में दलित ओबीसी वोट बैंक जिस भी पार्टी के पास होता है सत्ता उसी की बनती है। इस बार बीजेपी कई मुद्दों को लेकर घिरी हुई है और यहाँ पे बसपा भी जमीनी तौर पे नजर आ रही है। ऐसा माना जा रहा था कि बीजेपी के जितने भी दलित चेहरे हैं वो सपा में चले गए तो इससे सपा को फायदा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं बीएसपी भी मायावती भी लौट आई है। तो दलित ओबीसी बैंक जो है वोट बैंक है वो किधर जाता नजर आ रहा है? क्या इस चरण में सपा को भी नुकसान होगा बीजेपी के साथ साथ, क्या बीएसपी को इससे ज्यादा फायदा हो सकता है? दोनों की लड़ाई में क्या बीएसपी बाजी मार जाएगी छठे चरण में, क्या देख रहे हैं? और ये कहना तो अभी थोड़ा सा ये है कि बीजेपी, मैं इतना कह सकता हूँ कि हाँ वो वोट बैंक यदि बट भी रहा है तो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच में बट रहा है, वो बीजेपी को नहीं मिल रहा है। बीजेपी प्लस कितना करती है इन दोनों के अलावा, यानी कि यदि डिवीजन हो जा रहा है समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच में वोट का, तो वो क्या बीजेपी को जितना वोट पड़ा वो जीत के लायक पड़ रहा है कि नहीं, इस पर डिपेंड करता है पूरा मुद्दा। और लेकिन मैं फिर ये कह रहा हूँ बार बार, क्योंकि लोग इस बार सरकार बदलने के मूड में है, जो देखने को मिल रहा है जिस हिसाब से एक आक्रोश या जनता में जो एक वो वाला वोट जो वोट डालने जा रहा है वो पूरा का पूरा आप एक एक माहौल जो क्रिएट कर रहा है वो कह रहा नहीं हमको परिवर्तन चाहिए। भले ही अखिलेश को पसंद नहीं कर रहे हैं तो कह रहे हैं गठबंधन की तब, इसलिए क्योंकि वही उसका नैरेटिव सेट हो गया। आपने चाहे जो कारण रहे हो बहन जी, पहले तीन चरणों में नैरेटिव सेट नहीं कर पाई इसलिए शायद वो अभी बैकफुट में है। पहले तीन चरणों से जो माहौल शुरू हुआ गठबंधन के पक्ष में वो निश्चित रूप से अभी भी गठबंधन के साथ है, इसमें एकदम आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। मैं फिर बार बार कह रहा हूँ बीजेपी ने एड़ी चोटी लगा दी है। बीजेपी ये तो मानकर चल रही थी कि हमारी सीटें कम आएंगी, हो सकता है इलेक्शन नेक टू नेक हो जाए जी। लेकिन जिस जो रिपोर्टें आ रही है संघ की, जो पेपर में आ रहा है भाई, अब सोशल मीडिया में भी वायरल हो रहा है कि ऐसा भी हो सकता है बीजेपी 100 के नीचे सिमट जाए, तो ये तो फिर मोदी जी पे खतरा आ गया ना 24 में। तो बीजेपी अब और डैमेज कंट्रोल में शायद मुझे लग रहा है जुट रही है कि ऐसा ना हो जाए कि ये इतना ज्यादा आक्रोश आ जाए और 100 से नीचे हम पहुंच जाए। इस बार असर तो पड़ रहा है राजेंद्र जी, इस बार असर तो पड़ रहा है बीजेपी पर, लेकिन जिस तरह से बीजेपी सपा पे निशाना साधती रहती है अपराधियों को संरक्षण देने का, दागी चेहरों को वोट टिकट देने का, तो इसका कितना असर पड़ सकता है इस बार सपा पे? देखिए सपा लॉ एंड ऑर्डर के लिए जो है कि थोड़ा सा उसका एक माइनस पॉइंट रहा है, लेकिन क्योंकि आपके पास पूरे जब बीजेपी दो चार कांड ऐसे हुए, चाहे लखीमपुर वाला आप उठा लीजिए, चाहे विकास दुबे वाला कानपुर वाला उठा लीजिए, चाहे खुशी का उखार दिए कि शादी के 3 दिन बाद ही वो कैसे कल्प्रिट बन गई और भी कई ऐसे, तो एक ये दिखने आया कि इनका बुलडोजर भी चला तो किसी धर्म विशेष जाति विशेष के लिए, कुछ टारगेटेड लोगों के लिए। वही दूसरी तरफ जब बेल मिल जा रही है मंत्री जी के टेनी जी के लड़के को तो किसान एकदम आक्रोशित हो जा रहे हैं, वही दूसरे लोग आजम खान को बेल नहीं मिल रही है तो लोग ये भी एनालिसिस कर रहे हैं। कानून व्यवस्था का मुद्दा ऐसा नहीं है कि बीजेपी में बड़ा ऐसा हो गया कि राम राज्य स्थापित हो गया जो बीजेपी कहती है। यहाँ पे भी NCERB के डाटा आप उठाइए तो ऐसा नहीं है कि कहीं भी किसी मामले में कम है बीजेपी, लेकिन एक नैरेटिव जिसके पास मीडिया का एक पावर है, तो बीजेपी इस समय कहते हैं ना कि देश की सबसे रईस पार्टी है और सबसे ज्यादा संसाधन के साथ सख्त है, उसके पास संसाधन इतने हैं कि वो नैरेटिव सेट करना जानती है। पहली बार धर्म का नैरेटिव सेट नहीं कर पाई इस इलेक्शन में, इसलिए बीजेपी बैकफुट पे जो अभी तक प्रतीत हो रही है। 10 तारीख के बाद क्या हो रहा है, लेकिन नो डाउट जो एक बम्पर मेजोरिटी हम लोगों ने देखा था 300+ सीट वो कभी नहीं आने वाली है, ये तो इस बात पे आप हट जाइए। हाँ समाजवादी पार्टी सरकार बनाने की ओर बढ़ रही है, ये बात भी सही है, लेकिन वो बना पाती है नहीं बना पाती है, 10-20 सीटें यदि कम रह जाती है तो क्या इक्वेशन बनता है, या जो दिख रहा है वही एक्चुअल में हो गया तब ये भी हो सकता है कि अब एकदम बहुत ज्यादा बीजेपी को नुकसान हो जाए। लेकिन राजनीतिक संभावनाओं का खेल होता है, राजनीति में क्या हो कब हो कौन सा मुद्दा काम कर जाए, हर विधानसभा में तो खासतौर से लोकल कैंडिडेट के साथ साथ लोकल मुद्दे इंपॉर्टेंट होते हैं, तो हर क्षेत्र विशेष का अपना मुद्दा है। बहुत से लोग गोरखपुर को कह रहे हैं विकास हुआ, कुछ लोग कह रहे हैं वहीं हमने नाव चलाई, ठीक है, तो ये सब अपने अपने हैं और कुछ कुछ अपनी अपनी विचारधारा, जिसको जो लोग सूट करता है वो अपनी विचारधारा की बात रखता है, किसी लोगों को ये बड़ा अच्छा लग रहा है, कोई कह रहा है नहीं हमसे नुकसान हो रहा है, तो सबके अपने अपने एजेंडे, सबके अपने अपने व्यक्तिगत वहां की परेशानियां होती है बहुत, लेकिन एक
एक कॉमन चीज देखनी चाहिए कि ज्यादातर लोग कौन बोल रहा है और सही में इससे परेशानी। तो छुट्टा पशु के लिए एक जो मुद्दा बना, ये देखिए मोदी जी को जब बोलना पड़ा, साहूसर ने भी बोला कि मोदी जी को बहराइच की रैली में बोलना पड़ा कि छुट्टा पशु बहुत बड़ा मुद्दा है, तो वो उस छुट्टा पशु की रखवाली के लिए रात रात भर जागा है किसान, वो दर्द नहीं भूल रहा है। और जब कोरोना काल में जब मिसमैनेजमेंट हुआ यूपी का, भले हम चिल्लाते रहे आंकड़े में, ठीक है भले हम किसी पार्टी के सपोर्टर हो, लेकिन जो एक्चुअल में हुआ उससे लोग अभी भी व्यथित है। ठीक है, जो मजदूर पलायन हुआ, जब पलायन आप कह रहे हैं कि पलायन का मुद्दा बड़ा है, पलायन का मुद्दा बड़ा है, पूर्वांचल में पलायन इसलिए है कि वहां पर रोजगार परक कुछ भी ऐसे उद्योग नहीं लगे, कुछ ऐसी चीजें नहीं है कि वहां के लोग वहीं पे बसे, वो दिल्ली भागते हैं, मुंबई भागते हैं। ठीक है, ज्यादातर पूर्वांचल का लोग दिल्ली मुंबई में, वो किस लिए, वो फैक्ट्री में काम करता है, वहां जाकर ऑफिस थोड़ी खोल के बैठा है। तो वो वहां पे, वहां से जब लोकल उसको काम मिलता तो आपने लोकल काम वहां पे जनरेट नहीं किए, इससे उसमें नाराजगी है। और जब पलायन हुआ, पलायन आपने देखा होगा जब कोरोना में अचानक ट्रेनें बंद हुई तो मजदूर जब आए पैदल, तो वो दर्द आप लोगों के भी आंखों में आंसू आए होंगे और हर आदमी के आंखों में आंसू हुए कि सरकार क्या मतलब ट्रेन नहीं चला सकती है। वो कह रहे हैं हमको मरना तो वैसे ही है, हम जाएंगे नहीं जाएंगे, ऐसे ऐसे दृश्य आए जो एकदम गिरदर दिल पर कर गए लोगों में, एकदम वो आए। तो वो जिसने कुछ खोया है यदि कोरोना में, अपना कोई सगा परिजन खोया है, तो वो दर्द उसको रहेगा। आप चाहे आप समाजवादी पार्टी का हो, चाहे भाजपा का हो, चाहे बसपा का हो, चाहे कोई हो, वो एक व्यक्तिगत उसकी क्षति होती है और उस गांव की क्षति होती है। तो वो मुद्दा हमेशा रहता है, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, उस पर वोट पड़ेगा, उस नाराजगी पे वोट होगा। और नाराजगी किसके खिलाफ होती है, जो वर्तमान सत्ता में होता है। यदि आप समाजवादी पार्टी का सरकार होता या बसपा का सरकार होता तो लोग समाजवादी पार्टी और बसपा से ही हिसाब मांगते, उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बनती जो बीजेपी के खिलाफ इस समय बनी। देखिए बुलडोजर में देख दूंगा, आपने ऐसे ऐसे शुरू शुरू में जब योगी जी की सरकार बनी तो उन्होंने एकदम सबके फोटो लगवा दिए, एक एकदम निष्ठा का हनन था उसका, हम लोगों ने भी कहा कि गलत किया जी। सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमे और कहा कि घर घर से आपकी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी, आंदोलन नहीं कर सकते हो आप, आपकी आवाज एकदम दबा दी गई। वही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं ये गलत था, आपको उनका पैसा लौटाना पड़ेगा। तो इस तरह से कुछ जो हुआ, कुछ चाहे वो एक होता है ना कि इतना सीट आ गई हमको, एक ह्यूमन स्वभाव है, मानव है कि वो थोड़ा सा ये हो जाता कि नहीं हम ही जब सब कुछ है ना, ये समझने लगता है ना कि मैं ही सब कुछ हूँ आदमी, तो वही गलती करता है, वो इंसान ही है। राजनीतिक पार्टी हो चाहे हम आप हो, व्यक्तिगत जीवन में भी जब इस तरह का एक भाव आ जाता है कि नहीं मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, मैं ही एक स्वयंभू हो गया हूँ, मैं ही शिव हो गया हूँ, तो वो एक जो है वो जनता, डेमोक्रेसी की यही खूबसूरती है कि जनता आपको बता देते कि आप हैं क्या, हमारी वजह से हैं, हमने बनाया, यदि हमारी नहीं सुनेंगे तो हम आपको हटाएंगे भी जी। इस कार्यकाल में कमियां तो कई देखने को मिल रही हैं मौजूदा सरकार की। साहू जी अगर बात करें इतिहास की, यानी कि जो बीजेपी ने इतिहास रचा है, वो चाहे 2017 का विधानसभा चुनाव हो, 14 और 19 का लोकसभा चुनाव हो, तो बीजेपी ने जो दो पार्टी है ओबीसी और दलित, इन दो वर्ग, इन दो समुदाय को साथ कर ही इतिहास रचा और जो है जीत दर्ज कराई, प्रचंड जीत दर्ज कराई। तो आखिर उस वक्त और इस वक्त की परिस्थिति में क्या अंतर रहा, ऐसा कौन सा काम किया ओबीसी और दलित के लिए जो इतने भारी मतों से जीत पाई थी इन सीटों पर जिन पे आज चुनाव हुआ है? देखिए शिखा जी, 2014, 2017 और 2019 इसमें आपने देखा होगा कि एक करिश्माई नेतृत्व और आकांक्षाओं की राजनीति, में कहता हूँ उसको आशा कि हाँ कुछ हो सकता है, कुछ बेहतर हो सकता है, कुछ विकल्प के रूप में देखा। हालांकि ये विकल्प बनाया गया और विकल्प को एक एक मार्केटिंग कराया गया, बड़े अच्छे से सफल भी हुए और साथ ही साथ उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि ध्रुवीकरण, उसकी वजह से लोगों में ये लगा कि अब ये लहर चला था 2014, 2017, 2019, लेकिन 2022 में वो बिल्कुल वो लहर है नहीं। उसका कारण क्या है कि कहीं ना कहीं जब आप कुछ भी आप करते हैं, जब धरातल में दिखता नहीं है तो फिर आपकी एक टेस्ट जो है वो टेस्ट में आप फेल हो जाते हैं, परीक्षा में आप फेल हो जाते हैं। अब लोगों की सवाल उठते हैं और वो सवाल को उठाने में विपक्ष के पास इतने भी भूमिका नहीं थी या सामर्थ्य भी नहीं था, चाहे वो 2019 की चुनाव देखिए, चाहे 2014 की चुनाव देखिए, विपक्ष की भूमिका एकदम कमजोर था। और उसी तरह से आप देखिए 2000
2014 से पहले 2009 में चुनाव में आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी एक जबरदस्त विपक्ष के रूप में अपने भूमिका को निभा पाया था और उसकी नैरेटिव के बदलते हुए और जो भी आप देखेंगे इतिहास में जो आंदोलन हुआ भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन हुआ उस साथ धीरे 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 उनके फेवर में चला गया और एक एक वैक्यूम को माननीय प्रधानमंत्री जी जो एक चेहरा मोदी जी के नाम पे आया। लेकिन 2014 के बाद विपक्ष की कमजोर होना, 2019 में विपक्ष फिर कमजोर होना, 2017 में विपक्ष काफी कमजोर हो जाना, ये जो है तो उसकी आधार पे आपने देखा होगा कि विपक्ष की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है और उसके आधार पे 2022 में तो ये कहता हूँ कोई भी सरकार बने, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी बनाम सतीश जी का आरएलडी का जो भी सरकार बने, लेकिन इस बार विपक्ष मजबूत होगा। ये एक स्वस्थ लोकतंत्र की एक बहुत बेहतरीन खूबसूरत ये है और जिससे कि हम सोचते हैं कि लोकतंत्र की जो खूबसूरती है और जो द ब्यूटी ऑफ द डेमोक्रेसी उसी पे है, जब लोकतंत्र में विरोध मजबूत होता है और जो भी सरकार में रहते हैं तो उसमें क्या होता है कि एक बेहतर संतुलन, जैसे कि आपने देखा होगा बिहार में अभी भी आप देखिए चुनाव के प्रक्रिया के आधार पे आपने बिहार में चुनाव देखिए और उसके बाद असेंबली में तेजस्वी जैसे एक एक नया जिसे हम कहेंगे कि सीजनल नहीं, एकदम सीजन नहीं है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने अपनी बात को रखा, हो सकता है तैयारी के साथ रखे जो भी करे, लेकिन एक एक बेहतर तरीके से विपक्ष अपने को भूमिका निभाएंगे तो ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। और उसमें मैं आपको बता दूं 2022 के चुनाव कोई भी सरकार बने लेकिन इस बार लोकतंत्र बहुत मजबूती से अपने को स्थापित करेगा और उत्तर प्रदेश की जो चुनाव के जो मतदाताएं हैं वो एक तरह से एक ऐसी स्थिति करेगी जिसमें आपको लगेगा सरकार किसी का भी बनना चाहिए, बनेगा भी, हो सकता है कि एब्सोल्यूट मेजोरिटी नहीं होगा तो सिंपल मेजोरिटी से हो सकता है या पोस्ट कोएलिशन से एक बनेगा, लेकिन विपक्ष को अनदेखा नहीं कर सकते। ये हमारे हिसाब से विपक्ष का सक्रिय मजबूत होना भी भारतीय लोकतंत्र में काफी जरूरी है। अगर राजेंद्र जी बात करी जाए प्रत्याशियों की, प्रत्याशी को जिन वजह से उतारा गया है उनका चेहरा देख के, जाति देख के, उनके पीछे जन समर्थन देख के, तो क्या ये सही है कि अगर उनके ऊपर कई आरोप हैं, कई वो केस में लिप्त हैं, कई मामलों में संलिप्त हैं, उसके बावजूद भी उनके सिर्फ लोगों की कितना उनके पास समर्थन है ये देख के उन्हें टिकट दे देना, क्या ये सही है? अगर वो काम नहीं कर पाए हैं 5 सालों में उसके बावजूद भी टिकट दे दिया जाता है तो ये कितना सही है? प्रत्याशियों को किन आधार पर उतारा गया है और किन आधार पर उतारना चाहिए चुनाव में? देखिए कोई भी राजनीतिक दल सब परिस्थितियां देखता है, वहां का जाति भी देखता है, उसका बैकअप भी देखता है, उसका बैकग्राउंड भी देखता है, सब चीज आदमी जब कोई और वहां से अपने जो कार्यकर्ता है, जो आम जीवन का कार्यकर्ता है, हर पार्टी फीडबैक लेती है कि इसके 2-3 कैंडिडेट रहते हैं कि कौन ज्यादा बेटर रहेगा, कौन परिस्थितियों में फिट बैठ जाता है, किसका थोड़ा सा अप्रोच भी चल जाता है, वो सब उसमें कोई एक्स वाई जेड नहीं। और रही जब आप कह रहे हैं कि अपराधी प्रवृत्ति की जिन पर आरोप है, देखिए तो हम लोग ये कहते हैं कि आरोप कभी कभी राजनीतिक प्रेरणा से भी लगते हैं और सच्चाई भी है, कभी कभी सच भी होता है, दोनों चीजें हैं। तो इसको यदि हम न्यूट्रलाइज होकर देखें तो ठीक है, अभी जो हमारा भारत का संविधान कहता है कि आरोप है, अभी कन्विक्टेड नहीं हुआ है, उस पर अभी सजा नहीं हुई है, तब तक आप उसको ये नहीं मान सकते कि वो गुनहगार है, ये बात भी सच है। तो आपको एक हर इसलिए राजनीतिक पार्टियां जो भी हो, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो, सपा हो और बसपा हो, कोई भी हो, वो ऐसे प्रत्याशियों का चयन करती है, ना चाहती होगी, या जो पूर्व में विधायक रहे हैं और उनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, उनके साथ लोग हैं, वो जाति विशेष के लोग हों, यदि वहां का जाति विशेष के बाहुल्य है, क्षेत्र है, तो जाति विशेष के नेता को चुनेंगे। वो हर समीकरण देखता है, हर राजनीतिक दल करता है, ठीक है, क्या होना चाहिए, हम लोग आइडियल सिचुएशन की बात कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल। यदि आप मुझसे पूछेंगे तो चुनाव में रिफॉर्म होना चाहिए बहुत तगड़ा, आप कैसा होना चाहिए कि यदि कोई एक मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं करता है तो चुनाव से चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। चुनाव आयोग खासतौर से जिस हिसाब से अभी बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं है, एक निष्क्रिय संस्था के रूप में काम कर रहा है, उसके दायित्वों को और उसकी जवाबदेही तय करनी चाहिए। तो कुछ ऐसे लोकतंत्र में है जो लेकिन सुधार की प्रक्रिया चलती है और साहू जी के बात पर मैं 100% कथन हूं
जब तक विपक्षी लोकतंत्र में मजबूत नहीं रहता है सरकारें निरंकुश रहती हैं, और सरकार की निरंकुशता को दूर करने के लिए विपक्ष का सशक्त होना बहुत जरूरी है। लेकिन अब वो जनता को तय करना होता है कि जनता क्या चाह रही है। जनता यदि परिवर्तन चाह रही है तो फुल मेजोरिटी भी देती है, हंग असेंबली भी देती है, ठीक है, अब वो जनता के ऊपर है। लेकिन अभी जो पिछले 10-15 साल का एक पैटर्न आया कि जहां भी हुआ क्लीन स्वीप हुआ है, ठीक है, तो आप उत्तर प्रदेश में भी अभी कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी को वो सरकार बनाने जा रही है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। लेकिन यदि उत्तर प्रदेश ने एक नया टाइप का मेजोरिटी दिया और हंग टाइप से दिया तो ये उत्तर प्रदेश की जनता है। बंगाल में भी हम लोग नेक टू नेक फाइट देख रहे थे, लेकिन एकदम सिंगल हैंडली ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस एकदम मेजोरिटी में 2/3 मेजोरिटी एन प्लस वोट जीती। तो ये सब संभावनाओं का खेल होता है। देखिए, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, मैंने देखिए बहुत जब अखिलेश जी की 5 साल की मैंने वो भाषण सुने या देख रहा था या जो भी है मोदी जी की देख रहा था, इसके बाद जब डॉक्यूमेंट विजन आया ना तो मैंने एक इनका मंगाया कि डॉक्यूमेंट विजन क्या है। देखिए समाजवादी पार्टी का बचा मत मैंने मंगाया और मैं इसका मैंने अध्ययन किया तो मुझे एक ऐसा क्योंकि यूनिवर्सिटी में हम लोग पढ़ते पढ़ाते हैं और उन सिद्धांत राजनीतिक सिद्धांतों में समाजशास्त्री सिद्धांतों की बात करते हैं तो जब ये वचन पत्र में पढ़ रहा हूं तो मैं देख रहा हूं कि इसको किसी समझदार आदमी ने बनाया है। और इस पे आप देखेंगे कि यदि एग्जीक्यूट कर लिए और जो कहा है उन्होंने यदि इसका 90% भी 80% भी डिलीवर कर ले गए तो बहुत बड़ा ये विजनरी जिसको कहते हैं कि विजन होना चाहिए, आपकी सोच कहाँ ले जा रही है। तो वो जनता को लुभाने के लिए ही ये मैनिफेस्टो बनाए जाते हैं, घोषणा पत्र बनाए जाते हैं ताकि इनका सीधा असर चुनावों में पड़ सके। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा करने के लिए। हमारे साथ दो राजनीतिक विश्लेषक आज छठे चरण के चुनाव पर चर्चा करने के लिए जुड़े थे, डी आर साहू जी, राजेंद्र वर्मा जी। दोनों से हमने जाना कि किस तरह के समीकरण रहे हैं और जो ये चुनाव हो रहा है, आज का जो छठे चरण का चुनाव हुआ 10 जिलों की 57 सीटों पर आज जो चुनाव हुआ है उसमें अम्बेडकर नगर, बलरामपुर, सिद्धार्थ नगर, बस्ती, संत कबीर नगर, महाराजगंज, गोरखपुर और कुशीनगर, देवरिया, बलिया सीटें शामिल हैं। सभी सीटों के अलग अलग समीकरण रहे हैं, वो चाहे प्रत्याशियों को लेकर रहे हों या फिर वहां के मुद्दे रहे हों, और सभी के जो आंकड़े सामने आए हैं 5 बजे तक 53.31% मतदान हुआ। हालांकि यहाँ पे पलायन का मुद्दा भी काफी बड़ा है जिसकी वजह से वोटिंग परसेंटेज कम रहे हैं। वहीं बात करें तो उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में मतदान हो रहा है जिसमें से 6 चरण के मतदान हो चुके हैं। आज 6ठे चरण का मतदान था, वहीं 7वें और अंतिम चरण में आजमगढ़, मऊ, जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, भदोही, मिर्जापुर और सोनभद्र जिले की कुल 54 सीटों पर मतदान होना है। और इन सीटों के मुद्दे भी अलग है, प्रत्याशियों के चेहरे भी अलग है, और सबसे हॉट सीट माने जाने वाली वाराणसी जो कि पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र है वहां पर भी चुनाव है, तो इस पर भी चर्चा करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।